मैं बस यार प्रे करना कि इंश्योरेंस में हो जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा आपके भाई का। और वैसे भी यार YouTube से कोई अर्निंग्स वगैरह नहीं आ रही है ना अभी, वो नीचे आ रहा है उसको बता देता हूँ। उसको एक्चुअली मैंने गोली दी है कि यार फिर वो घुमा के लेके आ रहा हूँ कहीं पे, बट बुला लिया है। बढ़िया बढ़िया भाई, अपने को चलना है, ये सब चीजें रखता हूँ गाइस मैं गाड़ी में। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस आज है थर्सडे, है 14th of April है, और अभी फिलहाल यार मैं कुछ अर्जेंट काम जा रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ यार, काफी टाइम से ना मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। मतलब थोड़ा सा यार आप समझ ही पाते हो यार, फैमिली में कुछ इश्यूज वगैरह ऐसे चल रहे होते हैं तो मन नहीं करता है ब्लॉग्स वगैरह बनाने का। बट जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो डेफिनेटली मैं वो शूट कर लेता हूँ ताकि आपके सामने आ सकूँ और आपसे इंटरेक्शन कर सकूँ। तो अभी जा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट काम है, वो आपको बता देता हूँ पहले क्या काम है। गाड़ी अंदर से भयंकर वाली गर्म हो रही है, और ये ड्रॉबैक है आपको बता देता हूँ, जो इस टाइप के होते हैं ना लेदर टाइप के जो सीट कवर्स होते हैं ये लगवाने के, ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे होते हैं। अभी फिलहाल मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी के पूरे शीशे खोल दिए हैं ताकि थोड़ी गाड़ी ठंडी हो जाए। अभी आपको मैं बताता हूँ क्या काम है और क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। ये है वो रीज़न जिसकी वजह से मुझे अभी जाना पड़ रहा है। ग्लास है ना, इसको अपने को चेंज करवाना है यार। इसमें से क्या है, गर्मी की वजह से ना इसकी जो दरारें हैं वो फैलती हुई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा फैलती हुई जा रही है, क्योंकि गाड़ी में गैस इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद फिर वो फैल जाता है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ये विंडशील्ड का ग्लास चेंज करवाना। आई होप बस इंश्योरेंस में हो जाए यार, अदरवाइज बहुत कॉस्टली पड़ेगा। मार्केट में पता किया था इसके 8-9 हज़ार रुपये बता रहे थे इस ग्लास के। ज़्यादा वैसे इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट यार एक चीज़ बोलते हैं, किसी ने बताया था कि टूटा हुआ जो ग्लास होता है ना उसको ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं चाहिए, वो आप शगुन वगैरह कुछ मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी वगैरह उनसे जोड़ देते हैं उन चीज़ों को। तो ठीक है यार, इसको चेंज करवा लेता हूँ, हो सकता है कुछ अच्छा ही हो जाए यार। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो बस पॉजिटिविटी की वेट कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद रेगुलर भी आऊँगा डेफिनेटली। तो अभी फिलहाल बस प्रे करना है यार कि इंश्योरेंस में हो जाएगी। यूट्यूब से भी फिलहाल कोई अर्निंग्स वगैरह नहीं आ रही है, तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा तुम्हारे भाई का। इस ग्लास की वजह से ना आप मुझे सब कुछ चीजें चेंज करानी पड़ेंगी, जैसे ये फास्टैग है, फास्टैग भी चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये एक वन टाइम होता है, अगर एक बार आपने लगा दिया ना, फिक्स कर दिया, उसके बाद ये उतरता नहीं है। उतरता भी है तो इसके अंदर कुछ होती है इंफ्रारेड के लिए ना, कुछ वो होते हैं सेंसर्स वगैरह, वो टूट जाते हैं, तो ये दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। तो इसका फिलहाल जो फास्टैग वगैरह था रिप्लेस के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया, वो भी शायद एक दो दिन में आ जाएगा। और फिर जो स्टिकर्स थे ना आपके लिए बनवाए थे YouTube के और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के, ये भी दोबारा से बनवाने पड़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया है, साथ में ही पड़ोस में ही रहता है, उसको बुला लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी अपन खड़ी करके आएंगे आज तो नहीं मिलेगी गाड़ी, गाड़ी मिलेगी अपने को कल हो सकता है, या फिर हो सकता है परसों मिले। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरे को वापस आने के लिए भी कोई व्हीकल चाहिए। अभी वो नीचे आ रहा है, उसको बता देता हूँ, उसको एक्चुअली मैंने गोली दी है कि यार तेरे को घुमा के लेके आ रहा हूँ कहीं पे, बट गाड़ी खड़ी करके वापस आना है, बता देता हूँ इसको। ऐसे मैंने गोली देके नीचे तो बुला लिया है। बढ़िया बढ़िया, अपने को चलना है ह्यूंडई में, चलना है ह्यूंडई में गाड़ी, मतलब खड़ी खड़ी करके आनी है, ज्यादा देर का काम नहीं है, बस इसको यूं खड़ी करके और अपन वापस आ जाएंगे यार, बस है। कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा बढ़िया वाली है। तो ठीक है, निकाल ले गाड़ी, निकाल ले, चलते हैं वहां पहुंचते हैं। मेरे को कोरियर वाले भैया रास्ते में ही मिल गए हैं मेरे, एक्चुअली आज कोरियर भी आने थे, मैं निकल रहा था, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या है ना दोस्तों? ठीक है चलो गाइस, ये भी सही होगा, अदरवाइज यार वेट करना पड़ता है या फिर किसी को कहीं और रखवाना पड़ता। चला ले भाई थोड़ा सा तेज, लेट हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम और होगी यार, दिमाग से स्किप हो गया, कई बार क्या है दिमाग काम नहीं कर रहा होता। गाड़ी में ना बहुत सारा सामान पड़ा है और वो निकालना होता है, क्योंकि वहाँ पे दो तीन बार मैंने है ना गाड़ी का कुछ रिपेयरिंग वगैरह करवाने के लिए, तो बोलते हैं गाड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं अगर आपकी हों तो वो निकाल लो। तो इंपॉर्टेंट तो अपने पास यार यही है, पेन ड्राइव है, शेड्स पड़े हैं, गाड़ी के कागज पड़े हैं, और दो तीन चीज़ें और भी हैं जो निकालनी पड़ेंगी। अभी वहाँ से मांगना पड़ेगा, शर्मिंदगी होगी यार उनसे मांगते हुए, बट मांगेंगे यार, अपना काम है, जरूरी है। तो सामान वगैरह सारा निकाल लेंगे और घर ले आएंगे, पता नहीं गाड़ी कितने दिन बाद मिलेगी यार। का काम करवाने जा रहा हूँ ना, तो उसके लिए भी डर लग रहा है, क्योंकि एक को यूट्यूबर भाईचारा था हमारी कम्युनिटी का, वो ह्यूंडई में ही गया था, तो उसके साथ जो हुआ, मतलब वीडियोस आपने आजकल देखी होंगी। तो अपन ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाएंगे, ब्लॉगिंग नहीं करेंगे अपन ज़्यादा, बस अपन थोड़ा फॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वहाँ से वो साइनअप वगैरह वो फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करके वापस आ जाएंगे यार, अपन कुछ ऐसा करेंगे नहीं यार। तो बस आई होप टचवुड बस सब सही रहे। पहुँच गए यार, हट से बना दी यहाँ पे, अभी एंट्री करने के लिए आएंगे, पूछेंगे क्या काम है, फिर मैं बताऊंगा ग्लास चेंज करवाना है, किलोमीटर वगैरह। हाँ जी, ग्लास चेंज करवाना था जी ये ग्लास? हाँ जी। फोन नंबर 3996। यार पहुंच तो गए, अब जगह देखते हैं गाड़ी वाड़ी लगाने की और बात करते हैं, जो ये है ना अगर इंश्योरेंस में हो जाता है
तो वेल एंड गुड है यार, ये एक्सीडेंटल केस में जो होते हैं ना वो यहाँ पे होता है इंश्योरेंस का, तो आगे ही लगा देता हूँ। आज तो खाली खाली सा लग रहा है यार, अदरवाइज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ यहीं लगा देता हूँ, और यहाँ तो आज कोई है ही नहीं ज़्यादा भीड़। क्या सचिन भी आ गया, कुछ खाएगा? चला जा आज, और कुछ करवाएं गाड़ी में? अलॉयज हैं, सब कुछ ही है ना यार, बस वो ग्लास चेंज करवा लेते हैं। आज अंदर चलते हैं, पूछते हैं इनसे। गाड़ी का ना ग्लास चेंज करवाना था। डॉक्यूमेंट्स ले आओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस। विंडशील्ड वैसे अवेलेबल हो गया अभी आपके पास? बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। गाइस एक बार इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लेता हूँ, कागज वागज दिखाने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज हैं इसमें। एक सेकंड, ये तो साइन कर दो आप। ठीक है जी, ज़्यादा पे टिक कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे आप ये हिस्ट्री लिख दो। ठीक है जी, गाड़ी का एक्सीडेंट। ठीक, ओके ओके। वो कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया पूरा कंप्लीट। जी आप फ्री हो, आप जा सकते हो। हो गया फ्री, अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं? जी जी। और गाड़ी कब तक मिल जाएगी? या तो कल शाम को या फिर परसों सुबह कन्फर्म। ठीक है ठीक है ठीक है, कॉल आ जाएगा ना वो तो आपकी साइड से। और इसकी वॉशिंग वगैरह भी करवा दोगे ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। दो तीन दे देना, वो गाड़ी का थोड़ा सामान निकालना है। ठीक है, थैंक यू। अभी फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह क्लियर हो चुकी हैं, अभी गाड़ी में से बस सामान निकालना है थोड़ा सा, जो जो है ना इंपॉर्टेंट, पेन ड्राइव, चार्जर वगैरह, ये सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ। और कैरी बैग ले आया हूँ मैं, दो ले आया हूँ। ये देखिए यार क्या क्या डाल रखा है अंदर, ये देखिए, ये सब चीज़ें रखता हूँ गाइस मैं गाड़ी में। गाइस फाइनली जितना भी सामान था इंपॉर्टेंट वो सारा निकाल लिया है, इसके हो गए हैं ऑलमोस्ट दो बैग भर चुके हैं। आप चलते हैं यार, आठ हज़ार की चाबी है, देख लो यार एक बार। अब दो तीन दिन मिस करूंगा इसको, मॉन्स्टर को दो तीन बाद मिलेगी, तो अभी बस चल रहे हैं यार। निकाले सचिन, गाड़ी कहाँ खड़ी है? वही है। तो गाइस अभी बस घर जा रहे हैं यार, सेफली ह्यूंडई से आ चुके हैं यार, सर्विस भी अच्छी मिली है, तो अभी बस चल रहे हैं यार। बोला है कल शाम तक या फिर परसों तक गाड़ी भी मिल जाएगी, अपना मॉन्स्टर वापस आ जाएगा। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। अच्छा यहाँ खड़ी करी थी क्या? गाड़ी गर्म हो रही होगी ये वाली भी। एक सेकंड यार, ये रख देता हूँ, पीछे ही रख दे यार, मेरे को पकड़ा दे पकड़ा दे, मेरे को पकड़ा दे। नहीं हाँ। रख दो पीछे, कोई नहीं कोई नहीं, इसमें गिर जाएगा, सामान है ना छोटा मोटा ऐसा। चलो भाई चलते हैं। अभी आ चुका हूँ गाड़ी में, ये वाली गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। और मतलब यार कैसा फील होता है, पहले तो ने स्विफ्ट चलाई थी ना, स्विफ्ट डिज़ायर, वो काफ़ी खुली खुली स्पेशियस थी, और अभी बीट चलाना मतलब थोड़ा लगता है ना पहले से, मतलब थोड़े चेंजेस से कि हाँ। अंकल भी चलाते हैं, अंकल बता रहे थे, बोले कि ऐसे ऐसे, उस टाइम पे अंकल को वो नहीं पता शायद स्टीयरिंग का ना एडजस्टेबल है, वो काफ़ी नीचे था जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाई थी वाली गाड़ी, उसके बाद फिर एडजस्ट करके दिया था, फिर सही चल रही थी बढ़िया कम्फर्ट। बाकी शर्वले की गाड़ियाँ अच्छी थी, अगर कंपनी बंद ना होती, इसके जो हायर वेरिएंट आते थे, क्रूज था, कैप्टिवा थी, काफ़ी अच्छी थी। जो बहुत साल पहले इन्होंने ये सारे फीचर्स दिए थे, लाइक यार पुश बटन स्टार्ट, सनरूफ वगैरह, जो उस टाइम तक और किसी गाड़ियों में आते ही नहीं थे यार। तो देखना यार हाईवे पे ना जो ढाबे वाबे होते हैं उनके साथ भी एक मस्त सी फीलिंग जुड़ी होती है, कुछ ना कुछ मेमोरीज के रात को आए हैं या कुछ भी बीटेक के टाइम में, है ना। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, लगाते यहीं लगाते बस। हाँ ठीक है, तू भी कर ले थोड़ी देर आराम कर ले, फिर शाम को मिलते हैं। हैं बाय बाय बाय। चलो यार अब चलते हैं घर पे। डॉगी क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है? बस ही खा रहा है, इसको ला के देता हूँ, ऊपर से पड़ी हो गया। देखना यार इतना सारा सामान, और ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले वॉशिंग करवा के आया था ना, तब भी बहुत सारा सामान निकाला था, अब जचाना पड़ेगा कौन सी जगह कहाँ क्या रखना पड़ता है। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, सामान वगैरह सब कुछ रख दिया है, और आपको पता है आपने देख लिया होगा यार, इंश्योरेंस में ही हो जाएगा, उन्होंने बताया था कि इंश्योरेंस में हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है यार कि इंश्योरेंस में हो जाएगा, अदरवाइज मेरे 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं। अभी क्या है, फाइल चार्ज पैसे अभी भी अपने को पे करने पड़ेंगे, बट अभी फिलहाल सिर्फ फाइल चार्ज लगेंगे 1000-2000 जो भी होता है जितना होता है। तो ठीक है गाइस, अब क्लेम वगैरह जो पास हो जाता है, एक दो दिन बाद गाड़ी मिलेगी, तो अभी बस मिस करूंगा गाड़ी को यार, और जल्दी से आपके सामने दोबारा से आएगी डेफिनेटली, अच्छी अच्छी हो गया वापस आएगी। तो ठीक है गाइस, अभी इस वीडियो का मैं यहीं पैंड कर देता हूं। अगर आज का वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।